हे गाइस, कैसे हो आप सब? डेफिनेटली अच्छे होंगे भाई। नए नए क्रिएटर जो होता है वो ज्यादातर उदास होता है भाई। हम लोगों का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, या वायरल करने के लिए नए नए क्रिएटर ज्यादातर जो टॉपिक को फाइंड करता है वो कौन सा टॉपिक होता है आप सभी को पता ही होगा। अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो, जो ट्रेंडिंग से रिलेटेड जो सारा कुछ टॉपिक चलता है उस ट्रेंडिंग टॉपिक को अगर टारगेट करूं तो हम लोगों का वीडियो वायरल आने का चांस ज्यादा रहता है। ये सभी यूट्यूब क्रिएटर मैं भी सभी बताता है भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक को अगर आप टारगेट बनाओगे तो उसमें वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाता है, इजीली वीडियो वायरल हो जाता है। तो गाइस, आप सभी भी ऐसा करते होंगे, जो ट्रेंड में चलता है, जो सारा टॉपिक, जो सारा कंटेंट चलता है उसी को हम लोग टारगेट बनाता हूँ भाई। कौन सा टॉपिक वायरल हो जाए, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक वायरल हो जाए, कौन सा कंटेंट वायरल हो जाए, क्या पता। लेकिन गाइस, आप लोग ऐसा ट्रेंडिंग से रिलेटेड जो सारा कुछ कंटेंट होता है, टॉपिक होता है, उसको टारगेट बना के आप वीडियो तो क्रिएट करते हो, लेकिन बहुत सारा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हो लेकिन कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, कोई भी वीडियो को बूस्ट नहीं मिला। तो गाइस, मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी होता है उसी को आपका टारगेट बना के अगर वीडियो बनाओगे तो उसको वायरल कैसे करना है। ट्रेंडिंग टॉपिक तो ऐसे तो आप फाइंड कर रहे हो लेकिन वो वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ उस तरीके को आपको यूज करना है। जस्ट ट्रेंडिंग से रिलेटेड जो कंटेंट को आप टारगेट बना रहे हो उसको आप सही से प्रेजेंट भी कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को बदलना पड़ेगा। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है उसको अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका को यूज करके आप फाइंड करोगे तो उसमें आपका वीडियो वायरल होगा 100% है। तो गाइस, अगर आप लोगों को इस सारा कुछ जानना है तो वीडियो को लाइक करना है, एंड तक देखना है, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो गाइस, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को पहले आप लोग अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना। गाइस यार, सब्सक्राइब नहीं करते हुए यार बहुत उदास महसूस होता है, उसी के लिए एक गाना सुन लो। खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। वाह, कितना एक बढ़िया सा एक गाना है, आप लोगों को मजा ही आया होगा। तो गाइस, फर्स्ट में बात कर लेता हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक सभी यूज करता है, जो नए नए क्रिएटर होता है वो लोग ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को मतलब टारगेट बनाता है भाई। ट्रेंडिंग टॉपिक टारगेट बनाओ तो हम लोगों का वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेंडिंग में डेली कुछ ना कुछ ट्रेंड में चलता है, कोई ना कोई टॉपिक कंटेंट ट्रेंड में डेली चलते रहता है। यूट्यूब एप्लीकेशन में जैसे ही आप ट्रेंडिंग फीचर में जाके देखोगे, कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई डेली चलते रहता है, 4-5-10 ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उसी टॉपिक को अगर आप टारगेट बनाओगे तो उसमें वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। या नए नए कोई अगर अभी अपडेट आए, जैसे कि मान लो कुछ दिन पहले ये विनोद चल रहा था, उसका बाद में एक ट्रेंड में चल रहा था जो रसोड़े में कौन था, उसका बाद में अभी को जो ट्रेंड में चलता है वो सारा कुछ ट्रेंड में सभी तो वीडियो उसी के बारे में क्रिएट कर लेते हैं भाई। आप अकेला ऐसा क्रिएटर नहीं हो जो ट्रेंड में चल रहा है उसी कंटेंट को आप मतलब टारगेट बना रहे हो, आप अकेला क्रिएटर नहीं हो, बहुत ऐसे आपके जैसा क्रिएटर है जो उसी टॉपिक को टारगेट बना रहा है। तो इसीलिए वीडियो वायरल नहीं होता है, क्योंकि गाइस अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक को कोई एक बंदा टारगेट बनाए तो उसका वीडियो वायरल हो जाएगा इजीली। लेकिन गाइस, कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक को, एक कंटेंट को अगर 100 बंदे ने उसको टारगेट बनाए तो उसमें कौन क्रिएटर या व्यूअर्स बोलो किसका किस कंटेंट देखेगा, आपका कंटेंट देखेगा या उसका कंटेंट देखेगा या उसका कंटेंट देखेगा, इसीलिए वीडियो वायरल नहीं होता है। या मानो आप भी जो टॉपिक का टारगेट बना रहे हो उसको जैसे ही आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रेजेंट जो कर रहे हो उसमें कुछ गलती कर रहे हो, प्रेजेंट करने का टाइम आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो कौन सा मिस्टेक है? तो जैसे कि गाइस एग्जांपल तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे कि रसोड़े में कौन था एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसी के रिलेटेड बहुत ऐसे क्रिएटर टॉपिक को फाइंड किया है, टारगेट बना के वीडियो क्रिएट किया। तो आप भी अगर ऐसा किए हो तो आपका वीडियो वायरल नहीं गया, तो क्यों नहीं गया? आप कैसे टाइटल को ऐड किए हो या थंबनेल को कैसे बनाए हो भाई, रसोड़े में कौन था? अगर गाइस सभी तो वही थंबनेल यूज कर रहा है, वही टाइटल यूज कर रहा है भाई, रसोड़े में कौन था वही सब यूज कर रहा है, तो गाइस कोई ऑडियंस एक दो वीडियो को देख लिया भाई रसोड़े में कौन था, उसको तो ऑलरेडी पता चल गया रसोड़े में कौन था, ये क्या है क्या नहीं है, वो कंटेंट वो वीडियो देख के उसको ऑलरेडी पता चल गया। तो अगर आप भी ऐसा करोगी, आप भी टाइटल ऐसा उसी तरह डालोगी, रसोड़े में कौन था चढ़ा दिया, या मानो आप थंबनेल भी उसी तरह डालोगी, तो भाई कौन देखेगा? उन सब ऑडियंस को तो पता ही चल गया रसोड़े में कौन था, ये क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ पता चल गया। तो आपको कुछ हटके यूनिक डालना होगा, क्या कुछ आप लोगों को क्रिएटिविटी उसमें करना होगा। आप कंटेंट तो अंदर में वही है, रसोड़े में कौन था, ये था वो था मैं था वो तो है, लेकिन आपको टाइटल में जो है रसोड़े में कौन था इसको चेंज करना है। मैं आपको कुछ क्या
क्यों, ये सारा कुछ आप डाल सकते हो, जैसे कि रसोड़े में कौन था, रसोड़े में मैं था या रसोड़े में ये था, ठीक है। ऐसे क्रिएटिविटी आपको उसी में करना है, इसी के वजह से वीडियो टॉपिक वायरल होता है। जैसे कि मतलब कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक, इसी तरह आप लोगों को ट्रेंडिंग से रिलेटेड टॉपिक को अगर आप टारगेट बनाओगे तो उसमें जो टाइटल रहता है उस टाइटल को आपको चेंज करना है, प्लस आपको थंबनेल में भी वही सेम चेंज करना है, कुछ यूनिक करना है, लेकिन अंदर में कॉन्टेंट वही रहेगा। टाइटल में आप लोगों को कुछ यूनिक करना है, कुछ उल्टा करना है, जैसे कि कुछ मतलब अलग समझ में आए ऑडियंस को, व्यूअर्स को। अगर इस एप्लीकेशन बैंड हो गया है, इस तरह जो कंटेंट है उसको अगर आप टारगेट बनाओगे तो उसमें आपको क्या लिखना है, सभी तो वही लिखा है भाई, सभी वही डाला है टाइटल में जो ये एप्लीकेशन इंडिया से बैंड हो गया, लेकिन आपको क्या डालना है, आपको कुछ अलग डालना है भाई। ये जो एप्लीकेशन बैंड हुआ है, ये एप्लीकेशन कब आएगा या क्यों बैंड हुआ है या आ गया है, इस तरह का आप लोगों को कुछ यूनिक डालना है, जैसे कि कोई ऑडियंस उसको क्लिक करे, उसको देखे भाई जो कंटेंट है ये कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, वो एप्लीकेशन बैंड हो गया लेकिन ये इसमें बता रहा है ये एप्लीकेशन आएगा, कब आएगा तो मुझे जानना है, इसी के वजह से वीडियो को क्लिक होता है। तो गाइस इसी तरह आप लोगों को करना है, ट्रेंडिंग से रिलेटेड टॉपिक सभी टारगेट बनाता है, सभी क्रिएटर बताता है भाई ट्रेंडिंग टॉपिक को टारगेट बनाओ तो वीडियो वायरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सभी ट्रेंडिंग टॉपिक आपको वीडियो अगर क्रिएट करोगे तो उसमें वायरल होगा। वायरल आप लोगों को करना है, आप लोगों को सोचना है भाई वीडियो का अंदर में कुछ खराबी या किसी लिए वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, ये अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इजीली यूट्यूब में ग्रो कर पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग सारा कुछ समझ में आया है, इस सारा कुछ आप यूज करके ट्रेंडिंग टॉपिक को आप टारगेट बना के भी वीडियो वायरल कर सकते हो। गाइस आशा करता हूँ सारा कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। तो गाइस अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार जाओ सब्सक्राइब करो, उस वीडियो का नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब शो करेगा, उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, काला करना है। अगर आप चैनल में गए हो तो चैनल में भी आपको सब्सक्राइब रेड कलर शो होगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक करके आपको काला करना है, फिर आपको बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल कर लेना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।